अब जितना भी हमारा काम होना है वो सब होना है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट आपको नेट से ही मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर बात करें मेलिंग की, तो मेलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें सबसे पहले कोई डेटा है, लूप्स वगैरह के थ्रू हम वो मूव कराते हैं। पहले एक कोड देख लेते हैं मेल का, जैसे ये कोड है मेल का। दो तरीके से कोड चलते हैं आपके, एक अर्ली बाइंडिंग होता है, एक लेट बाइंडिंग होता है। इसको कहते हैं लेट बाइंडिंग, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट से वर्किंग करते हैं। अगर इस कोड को पढ़ोगे तो आउट ऐप करके एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट का, फिर आउट ऐप को हमने इनिशियलाइज किया है क्रिएट ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। मेल आइटम को हमने क्रिएट आइटम किया है फिर से एक सिंगल, फिर ये मेल के साथ आउट मेल डॉट टू, टू में आईडी आ जाती है, डॉट सी सी में सी सी एड्रेस, डॉट बी सी सी में बी सी सी एड्रेस, सब्जेक्ट में कुछ भी सब्जेक्ट, बॉडी में जो भी आप लिखना चाहें वो आ जाता है। अटैचमेंट में तो फिर आपको अटैचमेंट का पाथ देना होता है, जरूरी नहीं एक्सेल यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डॉट सेंड जो है वो सेंड करने के लिए लगता है, और डॉट डिस्प्ले खाली डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। बहुत हल्का सा फ़र्क है, ये स्टैंडर्ड कोड रहता है हर एक के लिए। हमें जो काम करना होता है इस कोड को हम लूप के अंदर डालते हैं। देखिए डिक्लेरेशन एक ही बार होता है, ठीक है। इसको ही हम यहाँ से लेकर और एंड विद, यहाँ तक हम कोड्स मतलब अपना लूप इफ एल्स कंडीशन इसमें चलाते हैं, ठीक है। लूप वगैरह लगेगा तो इस सेक्शन में लगेगा, और बाकी सेम कोड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे लूप से यहाँ पे आपने वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल के थ्रू करा रहे हैं, सारी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। तो अभी जैसे मैं अगर इस कोड को चलाऊं डिस्प्ले कर, तो ये क्या करेगा, एक मेल डिस्प्ले करेगा। ये आ गया। अगर मैं अपने आप को ही मेल भेजना चाहूं, मतलब डिस्प्ले ना करा के सेंड कराऊं, IPT फरीदाबाद @gmail.com, ठीक है, सेंड करा देते हैं, तो यही चीज़ हमें आउटलुक आपसे पूछेगा कि इसको अलाउ करना है डेनाई करना है। आउटलुक की अपनी सिक्योरिटी होती है, तो इसको आप अलाउ करेंगे तभी भेजेगा ये, ठीक है। एक ही बार अलाउ करना होता है, बाकी आउटलुक में समय मांगेगा कि इसको कितने टाइम के लिए ऑथेंटिकेट करना है, इस तरह से। अब देखोगे आउटबॉक्स में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपने आप भेज देगा, भेज दिया। तो इनबॉक्स में देखेंगे, आ गई अपने आप, इस तरह से चलता है, ठीक है। इनमें कुछ भी नहीं होता है, सारे मेथड आपके नेट से अवेलेबल हैं। किसका लिंक? सेंडर का। सेंडर का वो अपने आप उठा लेता है, जो आपका डिफॉल्ट मेल बॉक्स होता है ना, आउटलुक के बेस पे उठाता है। मेलिंग हमेशा आउटलुक पे ही होती है, हाँ। दूसरा जीमेल से नहीं जाएगा, वो जो आपका आउटलुक पे होगा उसी से ही जाएगा, ठीक है।
ये ऑफिस ऑटोमेशन के लिए होता है, तो आउटलुक बेस्ड होता है सारा, ठीक है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो फंक्शनैलिटी भी उसकी देता है। अब आउटलुक में आप चाहे जो मर्जी खोल लो, ठीक है, पेड मेल्स जो होती हैं या जीमेल होती है जो आउटलुक पे खुलती है आपकी, इनके साथ हो सकता है। जैसे मेरा जीमेल से ही भेज रहा हूँ मैं, पर मेरे पास आउटलुक है, ठीक है। इसमें दो तरह के कोड होते हैं, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। तो इसमें दूसरा जो कोड होता है उसमें इन एज एन ऑब्जेक्ट नहीं लिया जाता, वो इसमें ऐसे होगा आउट मेल एक मिनट देख ही लेते हैं क्या है यार। देखो, एक तो ऑब्जेक्ट के तरीके से चलता है, ठीक है, और एक चलता है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन आउटलुक डॉट मेल आइटम, ठीक है। ये आपका इस तरह से चलेगा, उसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। इस कोड को हम डाल लेते हैं इसके अंदर, पर अभी जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ, अभी ये आपको एरर देगा क्योंकि यहाँ पे क्रिएट आइटम से वो इनिशियलाइज हो गया था, पर ये अभी आउटलुक डॉट एप्लीकेशन आउटलुक डॉट मेल आइटम को पहचानता ही नहीं है, तभी ये कह रहा है यूज़र डिफाइंड टाइप नॉट डिफाइंड। मतलब इसको ये चीज़ नहीं पता है कि आउटलुक डॉट एप्लीकेशन क्या चीज़ है, तो इसके लिए रेफरेंसेस ऐड करने पड़ते हैं कुछ। वो रेफरेंसेस आप ऐड करते हो टूल्स में जाके, टूल्स रेफरेंसेस में, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स नहीं एडीओ आप कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, मेल का भी आपको दिख जाएगा आउटलुक एप्लीकेशन का HTML, हाँ ऑफिस OLEDB वन नोट आउटलुक, ठीक है। आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ये डालनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में इसका इन सब का मतलब छिपा होता है, ठीक है। तो वो बैकएंड में हमने फाइल ऐड कर दी, अब करेंगे तो ये कहीं एरर दिखा रहा है, ओवल मेल आइटम अच्छा ओवल मेल आइटम क्या है ये इसको नहीं पता, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से मेल आइटम हमने निकाला आउट मेल आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम ओएल मेल आइटम क्या एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, हमने क्या ऐड करना है टूल रेफरेंसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी क्रिएट आइटम जीरो ही ले लो। हाँ तो आउटमेल तो मेंशन है ही, इसमें भी मेंशन है, आप देखते हैं आउटमेल ओएल मेल आइटम लिखा तो ऐसे ही जाता है, इसको नहीं मिल रहा है
सेट आउट मेल, आउट मेल दोनों सेम है, मेल आइटम आना नहीं चाहिए। टूल्स रेफरेंसेस आउटलुक, आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ऑफिस है वो, नहीं वो ठीक है, उसी से ही होगा, चलना चाहिए इसमें। अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग ये कॉन्सेप्ट है, क्या होता है उसमें कोड पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और ये थोड़ा हल्का होता है प्रोग्राम। न्यू मेल आइटम या इसको क्या कहते हैं, बताया गया अपने आइटम ओएल, एप्लीकेशन डॉट क्रिएट, देख ले एप्लीकेशन तो आउट ऐप से ले आए, ये एप्लीकेशन इससे होना नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये भी एप्लीकेशन आउट ऐप में ले रहे। ये उसका कोड है तो भी आउटलुक का, हम यही वाली फाइल देख रहे थे ना। बात तो वही है, समझ गया समझ गया, ये हो सकता है मैंने जीमेल से चला रखा है तो कुछ पंगा हो सकता है, ठीक है, इसका भी केस हो सकता है इनमें। आप वो वाला कोड यूज़ कर सकते हो वैसे, और ऑफिस में करके देखोगे यही वाला कोड आपका चल जाएगा। क्रिएट ऑब्जेक्ट वाला हमेशा चल जाता है, ये वाला इसमें प्रॉब्लम आती है दूसरे वाले। बेसिकली आपको कोड तो सारे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पढ़ने आने चाहिए, समझ आना चाहिए कि कोड में लिखा क्या है, इन सब के आपको सारी चीज़ें मतलब नेट पे ही मिल जाती है, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम छोड़ते हैं, ये वाला तरीका यही है, आप अपने पास करके देखो कि ये हो सकता कोड आपके पास चल जाए, इसमें अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्ले सेंडिंग में काम आ जाता है, पर्टिकुलर मेल आ रही हो, हाँ किसी फोल्डर में मूव हो जाए तो उसके लिए तो आप आउटलुक में रूल बना सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आउटलुक में जैसे इस यूजर से आ रही है, क्रिएट रूल होता है ना यहाँ से, तो ये सब आपका वैसे ही हो जाता है, ये रहा। तो एक स्टेप क्रिएट न्यू, ठीक है, चूज एन एक्शन,
मूव टू फोल्डर, ठीक है। जब वैसे ही अवेलेबल है ऑप्शन तो उसको क्या करोगे? तो एक तो ये हो गया, आपको इसके काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे अलग अलग करके, आपने क्या करना है प्रैक्टिस करनी है बस, इस पर मिलेगा सब कुछ, ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं, इसमें वैसे बचा कुछ नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट बाकी रह गए हैं बस, हम प्रोजेक्ट करवाने हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हाँ। मैक्रो मतलब पावर पॉइंट में ज़्यादातर इससे क्या करना होता है, कॉपी करना हो, जैसे चार्ट कॉपी करना होता है। अच्छा, चार्ट की वो सेटिंग करनी होती है आपने। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि वो आपको चार्ट पहले इसमें बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें पेस्ट करवाने पड़ेंगे, तब सेटिंग होगी। हाँ, तो उसके लिए मैक्रो बना सकते हो। अब इसके लिए देखो कुछ भी, अब आपके पास जितना भी मैंने बताया है ना, वो कोड को पढ़ने के लिए है। क्रिएट चार्ट ऑन पीपीटी फ्रॉम एक्सेल वीबीए, जितने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको सारे कोड मिलेंगे, कुछ भी अलग से नहीं है, यही क्रिएट एप्लीकेशन वाला ही चलेगा और उसी में कोड बताएगा आपको क्या है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से क्या कोड करना है, कौन कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है, तरीका सबका यही है। इसका कोड लेते हैं, इन्होंने तो बनी फाइल दिखाई है, कोड ले लेते हैं। कैसे ये है, ठीक है। चार्ट्स टू प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट एप्लीकेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है। फाइल नेम एज वेरिएंट, स्लाइड काउंट कितनी स्लाइड होंगी, गेट ऑब्जेक्ट पावर पॉइंट डॉट एप्लीकेशन, एक्टिव प्रेजेंटेशन पीपीटी एक्टिव विंडो, व्यू टाइप पीपी व्यू स्लाइड, इसका व्यू सेट किया। फिर एक एक करके एक्टिव शीट में जितने चार्ट थे इसने क्या किया, वहाँ पे एक्टिव शीट चार्ट ऑब्जेक्ट जो काउंटर था, चार्ट कॉपी पिक्चर, पिक्चर की तरह कॉपी किया एक्सेल स्क्रीन एक्सेल साइज फॉर्मेट एक्सेल पिक्चर, और उसको चिपका दिया इसमें। प्रेस स्लाइड काउंट प्रेस डॉट एड ए न्यू स्लाइड इन पेस्ट इन चार्ट, तो स्लाइड काउंट काउंट निकाला, एड स्लाइड की प्लस वन पीपी लेआउट प्लान पावर पॉइंट मतलब लेआउट उसका, एक्टिव विंडो वी गो टू स्लाइड स्लाइड इंडेक्स विद शेप्स डॉट पेस्ट डॉट सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट हो गई। फिर अलाइन कैसे करनी है, ये एक्टिव विंडो सिलेक्शन शेप अलाइन एमएसओ अलाइन सेंटर, ये सब इसका अलाइनमेंट हो गया, सेंटर मिडल में बीच बीच में चार्ट आ गए, ठीक है। इसी में देखोगे ना, थोड़ा सा और सर्च करोगे तो इसमें आपको वो भी आ जाएगा कोऑर्डिनेट क्या देना है, ठीक है।
सारा कुछ कोड्स का ही होता है। ये आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, चाहे डेटा भी फेच करना है। आपको मैं डेटा फेच करने का दिखा देता हूँ एक बार, कि डेटा अगर कहीं से लेना है तो कैसे लेना है। जैसे SQL वगैरह से डेटा लेना होता है तो उसके लिए क्या लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूँ अपने पास SQL है मेरे पास कि नहीं। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरे पास है SQL। ये फाइल भी तो अलग अलग कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे किसी कोड के बेस पे से होता है, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स की फाइल बन जाए अपने आप से, फाइल सेपरेट करते हैं। वही है शीट का जो हम बनाते हैं वर्कबुक डॉट ऐड करके, कोड मैंने शुरुआत में ही बताए थे, जो ऐड करके जैसे कॉपी हमारे करके पास पेस्ट एक करके। डाटा है, ठीक है, उसमें नाम है बहुत सारे, ठीक है, हाँ मैं चाहता हूँ कि हर नेम की एक अलग 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 शीट्स एक फोल्डर के अंदर सेव हो जाए। तो फाइल सेव एज होता है, लूप्स के थ्रू ही होगा वो। अब करोगे ना, वो बेसिक बात है, प्रैक्टिस करोगे ना वो चीज़ बनाने की तो हो जाएगा। मैं इसमें देख लेता हूँ टेबल मेरे पास कौन सी है। ये तो मास्टर है, सिस्टम वाली नहीं चाहिए, मास्टर टेबल टेबल टेबल। इसमें कोई टेबल नहीं है मेरे पास। पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। कॉलम नेम क्या रहेगा, पहले आईडी, और इसको टेबल का नाम दे देता हूँ डेटा। DBO डेटा। अभी इसमें नहीं है, अब मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू टू डेटा वैल्यूज। वन कॉमा संदीप फरीदाबाद। ये सिंगल क्वेट्स में जाती है मेरे ख्याल से, बाहर कैर की। इसको मैंने एग्जीक्यूट से, एक डेटा टाइप मैंने चेक नहीं किया इस वजह से कुछ गड़बड़। वन रो इफेक्टेड, एक एंट्री आ गई। ठीक है, इसी में मैं दूसरी एंट्री दे देता हूँ। टू
दिल्ली ये दो एग्जीक्यूट सिलेक्ट ये ऐसे ही जाएगा आज डिबगिंग सेशन कहाँ चल रहा है ये आ गया दो एंट्रीज आ गई ना तो हमारे पास डेटा नाम की टेबल है और मास्टर नाम के डेटाबेस में अब ये चीज़ हमें रिट्रीव करनी है VBA के थ्रू इसका लॉगिन क्या है फाइल का यूज़र नेम IPT विंडोज ऑथेंटिकेशन पे SQL में ना दो तरह की ऑथेंटिकेशन होती हैं एक तो आपकी होती है लोकल वाली जो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होती है वो मोस्टली लोकल ही होती है और दूसरी होती है यूज़र डिफाइंड SQL सर्वर तो इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगता है आपका ठीक है तो दो तरह की ऑथेंटिकेशन होती है तो इसके थ्रू यही हमें एक्सेल में देना पड़ता है इस तरह की कनेक्टिविटी को कहते हैं ADO ऑब्जेक्ट ADO.NET के बारे में सुना होगा एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट इनको कहते हैं या SQL सर्वर एक्सेस इन तरह की कनेक्टिविटी में काम आते हैं रिट्रीव डाटा फ्रॉम SQL इन एक्सेल VBA अब ये ADO DB कनेक्शन रिकॉर्ड सेट ये सब आ रहा है ना ये सब हमने करना है टूल्स में जाके रेफरेंस में जाके और ADO ऑब्जेक्ट जो देखे थे हमने माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट ये लाइब्रेरी ऑन कर देनी है ADO एक्सटेंशन ठीक है ताकि ये हमारा कोड चल सके और प्रोवाइडर SQL OLEDB ये सही है डेटा सोर्स जो है हमारा है डेटा सोर्स कौन सा है मास्टर इनिशियल कैटलॉग यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है दूसरा वाला है SQL कनेक्शन हमें विंडोज ऑथेंटिकेशन से लेना है इस चीज़ को बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग
SQL connection string Windows authentication. किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्सेस करने से पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी क्या चीज़ें कनेक्ट करती हैं क्या नहीं. कनेक्शन स्ट्रिंग ये है आपका सर्वर माई सर्वर ट्रस्टेड कनेक्शन. यस, ये दूसरा वाला जो कनेक्शन है ना इनिशियल कैटलॉग डेटा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ये तो दो है. तो हम इसके अंदर यही देंगे सर्वर क्या है सर्वर इक्वल टू इसमें मैं लोकल दे देता हूँ. उसके बाद क्या आता है ये सर्वर डेटाबेस इक्वल टू मास्टर ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू यस. क्लोज कैसे होता है सेमी कॉलन. देखते हैं और ये आपका वो है कि देखो सबसे पहले क्या होगा कनेक्शन ओपन होगा ठीक है इस क्वेरी स्ट्रिंग से लॉगिन करेगा. फिर SQL के नाम से इन्होंने क्या बना रखा है स्ट्रिंग जिसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट आएगी जिससे तुम्हारा रिकॉर्ड आता है. तो सबसे सब कुछ लेना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम देना पड़ेगा डेटा ठीक है. बाकी सब क्लोज मारता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं. सेट RS न्यू ADO DB RS. अब इसने कनेक्ट RS डॉट क्या रिकॉर्ड सेट ओपन किया SQL डाला और कनेक्शन स्ट्रिंग को डाल दिया कनेक्शन को डाल दिया. तो ये रिकॉर्ड सेट को ओपन करेगा SQL की क्वेरी इस कनेक्शन के साथ चलेगी ठीक है. और शीट वन में सेल टू वन कॉपी रिपोर्ट रिकॉर्ड सेट जो भी डेटा होगा वो इसमें डाल देगा. अब ये देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता. ADO कनेक्शन ADO DB ऑब्जेक्ट ये नहीं आया है. कौन कौन से ऐड कराने हैं वो देख लेते हैं. ऑटो कनेक्ट सबसे पहले रेफरेंसेस में क्या ऐड करना पड़ता है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ADO connection ADO dot connection ADO DB इसमें ऑन तो कर रखे हैं ADO DB connection
SQL सर्वर नहीं यार, रेडी हो तो इसी से ही हो जाना चाहिए। कुछ गड़बड़ है इसमें, उठा लो फाइल को। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्या नाम है इसका? मेरे को वीडियो रिकॉर्ड सेट ये होगा क्या? नहीं है। एडियो डीबी यहीं सर्च कर लेते हैं। एडियो डीबी रेफरेंस वीडियो एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी 2.0 रिकमेंड एक्टिव एक्स रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट है, रिकॉर्ड सेट के बगैर आएगा नहीं है। ActiveX it appears reference dialog as Microsoft as the other is called ADOR is contained it appears references first type library is the larger more feature rich of two ADOR के नाम से ADOR के नाम से भी ADOR तभी वो रेफरेंस हमारे डुप्लीकेट हो रहे थे। अब देखते हैं। नहीं अभी भी नहीं पकड़ रहा। नहीं नहीं वो पता है क्या होगा फिर उसमें एक्टिव एक्स डेटा रिकॉर्ड सेट लाइब्रेरी आ गई ना। ओके रिकॉर्ड सेट तो ले गया यार। अच्छा कनेक्शन नहीं ले रहा है। कनेक्शन भी ले ले। एड इन नहीं, एड इन नहीं, टूल्स रेफरेंस। कौन किसका पार्ट है ना, ये सबसे बड़ा बात है। यही लाइब्रेरीज का ही चक्कर होता है सारा, कि वो कोड की डेफिनेशन किसके अंदर सेव है। और कौन सा बोला है इसने? माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.0 ये देखते हैं। इसमें बहुत सारे हैं ना, कंफ्यूज हो रहा है खुद। हाँ चलो फिलहाल चला, चल गया। अब ये कह रहा है डेटा सोर्स ओडीबीसी ड्राइव मैनेजर डेटा सोर्स नेम नॉट फाउंड एंड नो डिफॉल्ट ड्राइवर स्पेसिफाइड। अब बात रही कनेक्शन स्ट्रिंग की, बात सर्वर लोकल इससे ड्राइव डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग अगर देखें ये खुद नहीं दे सकता मैं कनेक्शन स्ट्रिंग।
चलो यार यही करके देखते हैं, पर वहाँ तक जा रहा है वो सही है जो कनेक्शन के। सर्वर तो ठीक है, वो सर्वर पकड़ रहा है ये। सर्वर वो पकड़ रहा है, और सर्वर एक सेकेंड कहाँ ले रहा है। यहाँ पर आ रहा हूँ। कॉपी कहाँ पर हो रहा है? कॉपी तो नहीं हुआ ना अभी। IPT फरीदाबाद डॉट PC, IPT फरीदाबाद इसके डैश आगे सी PC एडी ड्राइव भी तो होगा। स्लैश नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यही होता है इसकी बार एक्सप्रेस। इसकी जगह डॉट डॉट भी डाल दो तो चलता है, या लोकल डाल दो तो भी चलता है, क्योंकि लोकल कंप्यूटर पे है ना ये, वहाँ देना होता है। डेटाबेस मास्टर स्पेस का तो फर्क नहीं आ रहा, देख लेता हूँ। डेटा सोर्स नेम नॉट फाउंड, डेटा सोर्स, अच्छा डेटा सोर्स, यार डेटा सोर्स क्या लगाऊंगा मैं, ये भी तो नहीं पता। इसको ऐसा करते हैं, कनेक्ट टू डेटाबेस, यहाँ से ले लेते हैं, ये हमें करेक्शन अपने आप दे देगा, कनेक्शन पैरामीटर। ऐड ब्राउज फॉर मोर SQL सर्वर, ये रहा SQL सर्वर, नेक्स्ट। ये वैसे ही पूछ लेगा ना हमसे, सर्वर हमारा लोकल है, या डॉट डाल देते हैं। हाँ नेक्स्ट आ गया ना, अब कनेक्शन प्रॉपर्टीज में देखेंगे ना, सब दे देगा अपने आप ही, किससे कनेक्ट हुआ है ये। अच्छा सर्वर लोकल ले ले यार, नेक्स्ट चल। हो सकता है लोकल पे कनेक्ट ही ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है, फिर मुझे वही देना पड़ेगा। नहीं ले रहा, वही एरर आ रही है। तो मैंने क्या डाला था, IPT फरीदाबाद डैश PC स्लैश SQL एक्सप्रेस एक्सप्रेस नेक्स्ट। चलो एक तो ये पकड़ में आई, मास्टर में डेटा टेबल नेक्स्ट। फिनिश ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यहाँ इसकी कनेक्शन इस स्ट्रिंग आ गई पूरी पूरी। SQL DB 1 ये कॉपी किया, उसको यहाँ डाल देते अपने आप ही डी में। अब इसमें इसको सब कुछ मिल गया होगा, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI टू डेटा सोर्स IPT फरीदाबाद, ये है। अच्छा, अब इसने अपने आप सेटिंग कर दी है सारी, अब देखते हैं। अब मेरे हिसाब से एरर नहीं आनी चाहिए कुछ, चल गया आ गया।
ठीक है, कनेक्शन का ही पंगा होता है सारा। ये किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ बहुत आपका वो करेगी। क्या-क्या प्रोवाइडर वगैरह सब अरे उतना डालना याद रखना ही मुश्किल है ये सब। सिंपल है? तो नेट पे भी तो नहीं था ये। अब ये एसक्यूएल जो चलाता है ना वो तुम्हें खुद दे देगा ये चीज़, पर फिट कैसे करना है वो यार अपने जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। आपने तो वहाँ पे जा कनेक्शन में हाँ तो जाके दिया। कनेक्शन कनेक्शन वाला यहाँ पे जाके कनेक्शन ऐड करना, ऐड कर दिया, यही डेटा चाहिए इसको मारते हैं। अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में गया, ये आईपीटी फरीदाबाद का बना पड़ा है, ओपन किया, यहीं पे करना है टेबल के तौर पे, तो ये डेटा पटक दिया इसने। कहने का मतलब है यार अब रिसर्च बेस काम बचा है, अब वो करते रहो, उसमें लेके आना है। देखे मेजर जो होता है इसमें कनेक्शन ओपन होता है, ठीक है, क्वेरी जाती है और रिकॉर्ड सेट में डेटा आता है। अपडेट का देखोगे, इंसर्ट का देखोगे, ऐसा ही उसमें डेटा डलवाना है। यहाँ से कोड सारे आपको पता ही है कहाँ से कैसे जाएगा, ठीक है। तो चलो कल मैं एक ना प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने हैं हमने, मेजर काम हमारा हो चुका है अभी तक, ठीक है। SQL डेटा कोड, ठीक है, तो कल हम करेंगे।